तो गाइज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ आज की वीडियो में थोड़ी बैकग्राउंड साउंड हो सकती है क्योंकि मेरे को कार में वीडियो बनानी पड़ रही है। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ हमारे 49 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच। एंड 50 के में सिर्फ 1 के सब्सक्राइबर लेफ्ट एंड मैं होप करता हूँ इस वीडियो के बाद वो भी पूरे हो जाएंगे। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है, वो निकल कर आती है एक्समेनिया को लेकर, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया कैमेनी स्पोर्ट्स एंड उनकी अनाउंसमेंट आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है ओवेज को लेकर, जो ओवेज है उनसे GXR मैटर के बारे में पूछा गया था एंड उन्होंने बताया था कि वो यूट्यूब पर स्ट्रीम करने वाले हैं एक दो दिन में। फ्रेंकी के बारे में न्यू लाइनअप पर भी उन्होंने बात करी थी, तो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। गाइस आर यू एक्साइटेड? क्या तुम एक्साइटेड हो? तुम्हारा भाई यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने वाला है बहुत जल्द। क्या बोल रही पब्लिक, पड़ेगा यूट्यूब पे कब लाइव आओगे? आज होपफुली मुझे अभी ओवरले मिल जाना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कल या परसों से स्टार्ट कर दूँ स्ट्रीमिंग। रुक जाओ तो भाई कभी। हाँ मेरे भाई लाइनअप क्या रहेगी? नो आइडिया मेरे भाई, बस जो अभी है खेल रहे हैं। भाई फ्रेंकी को बुलाओ, फ्रेंकी गैस तबीयत खराब है, कल से शायद फ्रेंकी खेले। प्राइम फ्रेंकी नो नीड। रौनक गांधी भाई देखते हैं, सब पता चल जाएगा, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है माया वी एंड अल्ट्रोन को लेके, तो दोनों ने अप्रिशिएट किया था स्काउट को अपनी स्ट्रीम पे, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। पता है कोई देख रहा भाई मेरे को, भाई फिलहाल मैं मेंटली भाई बहुत ज्यादा हो गया था, बट फिर इन्होंने भाई बहुत साथ दिया। स्काउट भाई हो गए, भाई पाजी हो गए और कम्युनिटी के बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सब मतलब जितना ने किया ना, मतलब सबको रिस्पेक्ट है भाई जिन्होंने हेल्प करी है ना। मतलब स्काउट तो भाई मैं बोलता ही हूं, मैं स्ट्रीम पे बहुत बोलता हूं स्काउट एज अ पर्सन, तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है सवितार को लेके, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो TFX किंग है जो कि ओवेज के साथ खेल रहे हैं उसी के बारे में पूछा गया था सवितार से उनकी स्ट्रीम पे, तो उन्होंने कुछ हिंट्स दिए थे, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। सीधू ऑब्वियसली हु इज TFX किंग बताओ ब्रो, कांट रिवील मैन, कांट रिवील, चाके भी कांट रिवील। यू लाइक हम लोग बता नहीं सकते हैं वो लोग कौन है, पर जो भी बंदा है एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, इतना ही बता सकता हूँ। उसके अकाउंट से दो लोग खेलते हैं TF किंग के अकाउंट से, एक जो है वो पूरा अंडरडॉग है, पूरा एज इन पूरा, वो आज तक कभी T1 नहीं खेला, और एक ऐसा बंदा है जो खेला है थोड़ा बहुत, प्रॉपर नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत। दोनों ऐसे एक टाइप के लिए दोनों अंडरडॉग्स ही है TFX किंग, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता भाई। एंड इसके बाद जो सविता है उन्होंने बात करी थी मैक्स कैश के बारे में अपनी स्ट्रीम पे, तो उन्होंने इस पे क्या बोला था वो भी आप लोग देख सकते हैं। ब्रो व्हाई डिड यू टेक मैक्स कैश इन योर टीम? यू ब्रोक ऑलवेज मैक्स कैश ओपी डुओ, मैक्स कैश इज नॉट इन एनी टीम ब्रदर, मैक्स कैश इज नॉट इवन प्लेइंग स्क्रिम्स, ही इज नॉट अलाउड टू प्ले स्क्रिम्स, सो यस आई एम नॉट सेपरेटिंग एनीवन और आई डिडंट टेक एनीवन, मैक्स कैश इज नॉट प्लेइंग Tier 1, Tier 2, Tier 3, anything. He is taking his time. तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है हाइड्रा कनिका को लेके, तो उन्होंने बताया था BGMI कम्युनिटी का एक बहुत ही बड़ा मीटअप रहने वाला है जो कि BGMI वाले करवा रहे हैं, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। मैं बता देती हूँ कि छोटा सा लीक बता देती हूँ, ठीक है, छोटा सा लीक ये है दैट हाँ 19th to 22nd एक यू कुड से एक BGMI की तरफ से एक मीटअप प्लान्ड है लाइक पूरी कम्युनिटी का, उसमें लाइक ऑल द क्रिएटर्स। अरे हाँ ऑलरेडी कर रही हूँ मैं, रुको। हाँ तो जितने भी लोग हैं कम्युनिटी में से उनके उनका हमारा एक मीटअप होने वाला है, एंड वो कहाँ होने वाला है वो तो अब मैं लीक नहीं कर सकती, बट लाइक सब होने वाले बेसिकली लाइक आई थिंक मॉर्टल, डायनमो, मैं भी रहूँगी एंड हाइड्रा में से लाइक इन सेज हाइड्रा में से एम्परर है, मैं हूँ और डायनमो है, आई थिंक अल्फा भी होने वाले थे बट उनका सेकेंड डोज वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। बेसिकली जिनका भी वैक्सीनेशन होगा उनका मीटअप होने वाला है, अब वो कहाँ होने वाला है वो आई थिंक BGMI वाले खुद बताएंगे, तो वेट फॉर इट। एंड इसके बाद जो थक भाई हैं जब वो कल लाइव आए थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी थी, तो सबसे पहले उन्होंने बताया था जो मॉर्टल एंड वाइपर हैं वो क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। वाइपर क्यों नहीं खेल रहे भाई? मॉर्टल वाइपर इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि
मॉडल बहुत बिजी है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज द फेस ऑफ एसएटीयूएल एज अ बिग कंटेंट क्रिएटर हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, काफ़ी चीज़ें उसको संभालनी पड़ती है. तो ही इज ऑन अ ब्रेक बिकॉज BGS कब आएगा पता नहीं, बिकॉज BGS जब तक आएगा तब जिस लेवल का टीम को डेडिकेशन चाहिए राइट नाउ मॉडल की जो चीज़ें चल रहे हैं ही नीड्स टाइम. सो मॉडल ऑफ नहीं है, वाइपर इज ऑन अ परफॉर्मेंस ब्रेक. बेसिकली वो थोड़ा ग्राइंड कर रहा है टू इवॉल्व एज अ बेटर वर्जन, तो उसी लिए ये है. मोस्टली द फ्यूचर ऑफ सोल लाइनअप लुक्स लाइक अ सिक्स प्लेयर स्क्वाड विथ सम प्लेयर एट सम पॉइंट ऑफ देयर करियर टेकिंग दो दो तीन तीन महीने का ब्रेक. बट लाइक आई सेड निकालते तो हम लोग किसी को नहीं है अनलेस मवी ये हो तो बात अलग है. बट और आगे थैंक यू फॉर 100 थक गिल 100 रुपए का सुपर चैट कर रहा है, क्या बोलूं इसको, इसको तो फिलहाल कुछ नहीं गिल तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा निकल जा यहां से. You should go for G wagon, it will suit you. Sonak bhai. एंड इसके बाद जो थक भाई हैं उन्होंने बात करी थी सोल ओल्ड प्लेयर के बारे में एंड वेलोरेंट लाइनअप की अनाउंसमेंट के बारे में उन्होंने बात करी थी, तो वो वाली दोनों क्लिप आप लोग देख सकते हैं. एक्स ओल्ड प्लेयर रिवील कब होगा अभी कुछ नहीं पता गाइस, अभी कुछ नहीं पता. अभी इन लोग तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है मवी को लेके. जो मवी की स्ट्रीम पे हमारे को कुछ लीक्स मिली थी कि सोल के अंदर हमारे को दो रिप्लेसमेंट देखने को मिल सकती है, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं. यार थग तुम्हारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो रही है, मतलब मेरे पे तो पैसा डालो वो वेस्ट हो रहा है, नहीं रहा तो पता ही है मुझे, पैसा डालना बंद करूंगा मैं खेलने लगा. तो देखा नहीं क्या दो दो रिप्लेसमेंट से बात चल रही है. किसने बोला ऐसा रे गाइस, देखो ऐसे बुरा फील करवाया जाता है यहां पे. तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है CODM के लाइनअप को लेके. तो मैंने आप लोगों को बताया था जो IND है उनका जो CODM लाइनअप है वो लीव कर रहा है IND को. तो इस पे जो थक भाई है उनसे पूछा गया था कि वो हमारे को SATL में देखने को मिल सकते हैं नहीं, तो इस पे उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं. एंड उन्होंने साथ में बात करी है एक अनाउंसमेंट के बारे में कि जो कि इस मंथ हमारे को देखने को मिलेगी, तो वो वाली दोनों क्लिप आप लोग देख सकते हैं. ब्रो यू से डॉक्टर विल बी बूम बम, हाउ मेनी अनाउंसमेंट दिस मंथ? आशीष कुडीकला इस महीने एक ही अनाउंसमेंट होने वाला है. बंट सेट दे लेफ्ट IND, सो एनी चांस ऑफ एक्स IND कॉर्डम इन SATL? आशीष कुडीकला भाई बहुत मुश्किल है. एंड इसके बाद जो थक भाई है उनसे पूछा गया था कि जो सोल का लाइनअप है वो क्या रहने वाला है, तो इस पे उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं. थक भाई बोलो ना सोल का लाइनअप क्या है. जॉब करो करो. सोल का लाइनअप है ओल्ड प्लेयर मवी तो बस गाइज अभी के लिए मेरे पास न्यूज़ इतनी ही थी. अगर कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा. एंड आज आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को जस्ट बताना है कि आप लोगों को जो GameX न्यूज़ की वीडियो है वो क्यों अच्छी लगती हैं एंड 50K के स्पेशल वीडियो में मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ. तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं. तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में.